बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू लेक्चर 11 ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर के अंदर हम अपने कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि इस कोर्स का पार्ट टू स्टार्ट करेंगे, विच इज माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। तो आए पावर पॉइंट को थोड़ा सा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, जिस तरह वर्ड के अंदर हम डॉक्यूमेंट, थीसिस, रिपोर्ट्स, लेटर क्रिएट कर सकते हैं, उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की जो सेकंड प्रोडक्ट है वो बेसिकली पावर पॉइंट है। पावर पॉइंट बेसिकली प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज किया जाता है। एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसके ऊपर आप मजे मजे के दिलचस्प किस्म की स्लाइड्स प्रेजेंटेशन बना सकते हैं और उसके बाद आप उसको इन द फॉर्म ऑफ एनिमेशन ट्रांजिशन प्रेजेंट कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट को जिस तरह आप वर्ड के अंदर ओपन करते हैं, जिस तरह वर्ड को हमने तीन तरीकों से ओपन किया था, उसी तरह आप बेसिकली पावर पॉइंट को भी तीन तरीकों से ओपन कर सकते हैं। तो एक तरीका तो यह है कि आप सिंपली जो है वो अपने सर्च बार के अंदर जाके पावर पॉइंट लिखें तो आपके पास माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की आइकन आ जाएगा, या आप स्टार्ट मेन्यू से आइकन के साथ क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो विंडोज एप्लीकेशन के अंदर जाके क्लिक कर सकते हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट मेथड है पावर पॉइंट को ओपन करने के। जैसे ही आप ओपन करेंगे तो आपके पास एक विंडो ओपन होगी। ये बेसिकली पावर पॉइंट की विंडो है जो आपको स्क्रीन पे नजर आ रही है। इसमें हमारे पास जो सबसे टॉप पे है वो बेसिकली थीम्स नजर आ रहे हैं। थीम्स पावर पॉइंट के अंदर बड़ा दिलचस्प जो है वो अहमियत के हामिल है। थीम बेसिकली इसलिए यूज किए जाते हैं कि हम जब प्रेजेंटेशन के ऊपर काम करें तो किस तरह का थीम हम अपनी प्रेजेंटेशन के लिए चूज करना चाहते हैं। आपके पास बेतहाशा थीम्स अवेलेबल हैं जो बाय डिफॉल्ट आपको बिल्ट इन दिए गए हैं, वो आपके सामने नजर आ रहे हैं। आप इनमें से कोई भी स्टार्टिंग थीम चूज कर सकते हैं। अगर आपको इनमें से कोई थीम पसंद नहीं आ रहा, आप कोई एजुकेशनली आईटी का रिलेटेड कोई थीम देखना चाहते हैं तो आप जो है वो ऑनलाइन सर्च भी कर सकते हैं। तो सिंपली आप जो है वो इस पे सर्च बार में जाके जो भी टाइटल आपने सर्च करना हो जिससे रिलेटेड वो आप बेसिकली सर्च करें तो आपको जो है वो मजे मजे के थीम्स अवेलेबल होंगे। तो ये थीम बड़े इंपॉर्टेंट क्या मिले, जब भी आप प्रेजेंटेशन दें तो आप दिलचस्प किस्म के थीम अप्लाई करें अपने टेक्स्ट के ऊपर, ताकि जो है वो फ्यूचर में आपको काम आए। मजे मजे की प्रेजेंटेशन दें, जिस तरह आप हर कोर्स के अंदर देंगे इसी तरह जो है वो आप एनिमेशन डिजाइन हर चीज जो है वो हम इस लेक्चर के अंदर इस पार्ट के अंदर जो है वो सीखेंगे। तो फॉर द टाइम बीइंग हम जो है वो स्टार्ट करने के लिए अपने पास बेसिक से स्टार्ट करते हैं। जो हमारे पास होम टैब है, होम टैब में जाके हम ब्लैंक प्रेजेंटेशन, तो सिंपली आप इस पे क्लिक करें। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो मेन विंडो ओपन हो जाएगी पावर पॉइंट की। अब पावर पॉइंट की मेन ओपन हो जाएगी, इसके अंदर चीजें डेफिनेटली वही हैं जो वर्ड के अंदर थी। ये हमारे पास जो है वो ऑप्शनल कंट्रोल कमांड्स हैं, क्रॉस कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन कर सकते हैं। ये बेसिकली रिबन की ऑप्शन है, जैसे वर्ड में आ रही थी इसको हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ये आपके पास जो है वो क्विक एक्सेस टूल बार है, उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ये एक एक्स्ट्रा है स्लाइड शो के लिए। ये बेसिकली क्या होता है, आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेव की ऑप्शन, अंडू, तो ये तो बेसिकली हमारे पास वही चीज है जिस तरह वर्ड के अंदर थी, रिबन के ऊपर आ गई। अब उसके बाद इसके अंदर भी हमारे पास होम टैब, इंसर्ट टैब, डिजाइन, ट्रांजिशन, तो ये सारे टैब्स अवेलेबल हैं। इसके अंदर कुछ चीजें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं, जो चीजें वर्ड में थी वही चीजें बेसिकली पावर पॉइंट के अंदर है, क्योंकि दोनों एक ही सूट का पैकेज है, तो दोनों सॉफ्टवेयर मोर और लेस जो है वो सेम है। कुछ फीचर इसके अंदर प्लस है, डेफिनेटली हमारा एम्फेसिस उसके ऊपर है, हम उसको ही फोकस करेंगे। तो फाइल के अंदर बेसिकली वही चीजें जो हमारे पास ऑलरेडी उसके वर्ड के अंदर थी, उसमें हम फाइल की इन्फो देख सकते हैं, अपनी जो है वो कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैनेज करना है, सेव एज, प्रिंट, शेयर, एक्सपोर्ट, ये मोर और लेस सारी चीजें डिटेल के अंदर हम वर्ड के अंदर ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो हम जो है वो अपने वापस कमांड लाइन पे आते हैं। तो ये जो आपको एरिया नजर आ रहा है सामने, कमांड्स की बात करें, ये हमारे पास टैब्स हैं। टैब्स के अंदर मेरे पास डिफरेंट ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, स्लाइड, फ्रंट वगैरह, फॉन्ट वगैरह, पैराग्राफ, ड्राइंग, तो ये सारे वही ग्रुप हैं जो वर्ड के अंदर थे। कुछ चीजें एक्स्ट्रा होंगी वो हम आज देखेंगे। उसके बाद ये आपके पास जो है वो बेसिकली वर्किंग एरिया है, प्रेजेंटेशन स्लाइड मेकिंग का एरिया है। इसके अंदर बेसिकली हम अपना टेक्स्ट ऐड करते हैं, हम अपनी पिक्चर्स ऐड करते हैं, ग्राफिक, वीडियोस, जो जिस तरह की भी चीजें आपको चाहिए वो हम इस जो है वो बाउंड्री के अंदर, इस एरिया के अंदर काम करके यूज करते हैं। लेफ्ट साइड पे आपको जो है वो जो एरिया नजर आया जिसको मैं ड्रैग ड्रॉप करके छोटा बड़ा कर रहा हूँ, ये बेसिकली थंबनेल एरिया है। थंबनेल बेसिकली मिनी व्यू है जो आपकी स्लाइड्स
प्रेजेंटेशन आप बनाएंगे, प्रेजेंटेशन के अंदर डिफरेंट स्लाइड्स होती हैं। अभी ये हमारी ओपनिंग स्लाइड है, ओपनिंग स्लाइड के अंदर हमने अभी तक कुछ भी टाइटल नहीं क्रिएट किया। इसी तरह आप जो है वो इसके अंदर दो तीन चार अनलिमिटेड जो है वो स्लाइड्स बना सकते हैं डिपेंडिंग ऑन योर कंप्यूटर मेमोरी। तो ये बेसिकली आपको लेफ्ट साइड पे जो एरिया नजर आ रहा है ये थंबनेल एरिया है आपकी स्लाइड का, वर्किंग एरिया। अब उसके बाद हम जो है वो अपनी स्लाइड के ऊपर काम करते हैं। सपोज हम अपनी पहली प्रेजेंटेशन बनाते हैं जी, कंप्यूटर एप्लीकेशन, और उसके बाद जो है वो आप इसको सब टाइटल जो भी आपने नाम देना है, लेट्स से हम कहते हैं जी लेक्चर 10, लेक्चर 11, प्रेजेंटेड बाय, अपना नाम लिखना, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, जो भी आपने चीज करनी है वो आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक ब्लैंक स्लाइड के ऊपर, स्लाइड नंबर 1 के ऊपर हमने कुछ टेक्स्ट ऐड कर लिया। अब टास्क ये है कि ये टेक्स्ट जो आ जाता है इसका पर्पस क्या है, प्रेजेंटेशन को क्यों यूज किया जाता है, जो चीजें डेफिनेटली मैंने हाईलाइट की। स्टूडेंट प्रेजेंटेशन बेसिकली पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन बनाने के लिए तब यूज किया जाता है जब आपके पास कोई रिपोर्ट हो और आपने उस रिपोर्ट को किसी ऑडियंस को एज अ प्रेजेंटेशन पर्पस या अपना काम किसी को शो करवाना हो, तो उस पर्पस के लिए हम पावर पॉइंट का सहारा लेते हैं, मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला सॉफ्टवेयर है। अब इसमें यह है कि डेफिनेटली हम एज इट इज, जिस तरह वर्ड के अंदर हम 100, 200, 300, 500 पेजेस भी लिख सकते हैं, तो पावर पॉइंट के अंदर डेफिनेटली इतना ज्यादा टेक्स्ट नहीं आता। पावर पॉइंट के अंदर स्लाइड जब भी आप प्रेजेंटेशन बनाए तो प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कुछ रूल्स हैं, बुलेट पॉइंट्स यूज किए जाते हैं, स्मॉल टेक्स्ट यूज किया जाता है, नोट्स यूज किए जाते हैं, कमेंट्स यूज किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हम इन लेक्चर्स के अंदर अपने पार्ट टू के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मैंने कंप्यूटर इंट्रोडक्शन स्लाइड के अंदर हमने कंप्यूटर एप्लीकेशन लेक्चर 1 लिख लिया। लेक्चर 1 लिखने के बाद बेसिकली आप जो है वो इंसर्ट, डेफिनेटली हमारे पास सारी वही चीजें हैं जो हमने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर डिस्कस की है। कुछ चीजें ऐड होंगी जैसे एक्शंस आ गए या स्लाइड नंबर आ गया, वो वीडियो वगैरह, तो ये हम बेसिकली ऐड कर सकते हैं, इनको पढ़ेंगे डिटेल में। मैं सबसे पहले डिजाइन टैब पे आ जाता हूँ। होम टैब को मैं इसलिए डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि होम टैब के अंदर भी सारी वही चीजें हैं जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसमें स्लाइड्स वाला बार है, उस पर हम इस टॉपिक के बाद आते हैं। तो डिजाइन के ऊपर आ जाए। अब डिजाइन में आने के बाद बेसिकली हमारे पास थीम्स के अंदर स्टार्ट में भी अवेलेबिलिटी थी, प्लस ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन भी आप जो है वो कोई अपना मजे मजे का प्रेजेंटेशन के ऊपर थीम डिजाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आप, ये तो आपके पास थीम की ऑप्शन आ गई जो अवेलेबल है, प्लस आप जो है वो यहां से ड्रैग ड्रॉप करके और भी मजे मजे के थीम जो है वो पिक कर सकते हैं। तो ये लेट्स सपोज हमने, हमारे पास थीम आ गई, आप जो है वो किसी भी थंबनेल के ऊपर जो है वो माउस को लेके जाएं तो नीचे आपको जो है वो प्रीव्यू नजर आएगा। आप प्रेजेंटेशन पर्पस के लिए किसी भी थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं समझने के लिए, प्लस आप जो है वो ऑनलाइन भी थीम जो है वो ब्राउज कर सकते हैं जो भी आपको डिजाइन चाहिए। तो लेट्स से कि हम जो है वो अपने पास इस थीम को ले लेते हैं वर्किंग के लिए। अब आप जैसे ही आप पिक करेंगे टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आपके पास उस डिजाइन में मोल्ड हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास हर थीम के वेरिएंट्स भी हैं। वेरिएंट्स मतलब के कलर आप चेंज कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास थीम हमने जो अप्लाई किया था उसके 4 वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, तो आप इनमें से कोई भी थीम, स्टाइल मेन जो ही रहेगा लेकिन पॉइंट ये है कि आप जो है वो अपनी मर्जी से कोई भी थीम, उसका कोई भी कलर जो है वो चूज कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास, हम जो है वो आ जाते हैं अपने पास होम टैब के ऊपर, और मैंने एक स्लाइड बना ली। अब जो है वो हमने न्यू डिजाइन अप्लाई करना है, स्लाइड अप्लाई करनी है। तो न्यू स्लाइड अप्लाई करने के लिए आपके पास डिफरेंट तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि आप सिंपली होम टैब में जाएं। होम टैब में जाने के बाद आपके पास स्लाइड्स की ऑप्शन आ रही है। इसमें आपके पास एक तो ऑप्शन है जो मेन आपको ऑप्शन नजर आ रही है, हर ग्रुप के अंदर मेन बटन नजर आ रहा है, प्लस जो है वो आप इस पे क्लिक करके इसको मजीद इसके वेरिएंट्स, इसके ऑप्शन एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो न्यू स्लाइड में आप आए तो ये आपके पास डिफरेंट जो है वो ऑप्शन अवेलेबल है। अब स्टूडेंट इसको देख लेते हैं कि ये बेसिकली क्या है। देखिए जब भी हम स्लाइड बेसिकली बनाते हैं, जैसे मैं इस पे न्यू स्लाइड करता हूँ, जैसे मैंने न्यू स्लाइड ओपन किया तो मेरे पास इस स्लाइड के ऊपर कुछ बॉक्सेस, कुछ सेक्शंस अपीयर हो गए, कुछ पार्ट्स आ गए। जैसे एक मेरे पास ये टाइटल वाला बार आ गया जिसको मैं ये ड्रैग ड्रॉप कर रहा हूँ, और दूसरा मेरे पास टेक्स्ट का बार आ गया जिसके अंदर आप टेक्स्ट आता है। टाइटल बेसिकली सम टाइम आपकी कोई हेडिंग हो सकती है, जैसे इंट्रोडक्शन हो गया, लिटरेचर रिव्यू हो गया, रिजल्ट्स हो गए, और टेक्स्ट के अंदर आप अपने बुलेट्स पॉइंट जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिख सकते हैं। अब पॉइंट ये है कि सम टाइम ऐसा होता है कि आपने कोई कंपैरिजन चीज, कंपैरिजन लगाना है, आपने, आपको एक से ज्यादा टेक्स्ट चाहिए, आपको पिक्चर भी चाहिए,
या आपको हो सकता है ब्लैंक टाइटल चाहिए, आपने उसके ऊपर कोई और जो है वो क्रिएटिविटी अप्लाई करनी है। तो न्यू स्लाइड के अंदर जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास काफी ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे टाइटल स्लाइड आपने ऑलरेडी देख लिया, टाइटल स्लाइड के अंदर बाय डिफॉल्ट जो है वो टाइटल और सब टाइटल के बॉक्सेस दिए जाते हैं, प्लस आप अपनी मर्जी से भी कोई सेक्शन ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सेक्शन ऐड कर सकते हैं। न्यू स्लाइड में जाते हैं, हमारे पास जो है वो टाइटल एंड कंटेंट, जो दूसरी स्लाइड हमारे पास आई है जिसमें ये एक टाइटल है और ये कंटेंट की ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास सेक्शन हेडर है, आप कहते हैं सिर्फ सेक्शन हेडर, जिस तरह हमारे पास टाइटल स्लाइड की ऑप्शन आ रही थी उस टाइप के आप सेक्शन हैंडल कर सकते हैं, दरमियान में प्रेजेंटेशन के लगाने के लिए कोई सेक्शन ब्रेक देने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, 2 से 3 ग्रुप मेंबर्स दे रहे हैं, तो एक ग्रुप मेंबर ने खत्म की तो दरमियान में 7वीं स्लाइड के ऊपर लेट सपोज जी कोई पार्ट 2 है, रिजल्ट्स किसी एक्स वाई जी स्टूडेंट डिस्कस करना है, तो आप इस सेक्शन ब्रेक को यूज करते हुए उसको मुखातिब कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो है ब्लैंक स्लाइड भी है, इसके ऊपर कोई भी चीज नहीं है, हम सिंपली जो है वो इसका लेआउट बाद में भी चेंज कर सकते हैं, ट्रू फॉल्स बनाना चाहते हैं, कोटेशन नेम नेम कार्ड, तो ये सारे लेआउट्स के ऑप्शन सेक्शन के ऑप्शन आपके पास स्टूडेंट अवेलेबल हैं, डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस किस तरह का आप काम कर रहे हैं। जैसे आपको कंपेरिजन डालना है तो देखें ऑटोमेटिकली आपके पास एक मेन टेक्स्ट, सब टेक्स्ट की 2 हेडिंग और फिर उसके बाद सब जो है वो टेक्स्ट के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस 2 अलग अलग आ गए। इसके अंदर आप जो है वो टेबल इंसर्ट करें, पिक्चर इंसर्ट करें, चार्ट इंसर्ट करें, 3D मॉडल, जो भी आपने चीजें इंसर्ट करनी है, वीडियो वगैरह, वो आपके पास आ सकती है। तो ये स्टूडेंट लेआउट का था। लेआउट जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपको जो है वो प्रेजेंटेशन देने के लिए, प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए। हो सकता है आप जो है वो एक प्रेजेंटेशन के अंदर आपकी 10 स्लाइड्स हैं और 10 के 10 डिफरेंट लेआउट के ऊपर है। लेट्स से एक टाइटल स्लाइड है, एक के अंदर कंटेंट है, एक के अंदर 2 कंटेंट है, कंपैरिजन है, कोई ब्लैंक है, कोई टाइटल है, डिफरेंट आपके पास लेआउट हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप अगर एक लेआउट के ऊपर बना रहे हैं तो आप सारे के सारे वही लेआउट पूरे स्लाइड के अंदर कॉपी करें, आप बेसिकली इसको चेंज कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट लेआउट का था। उसके बाद आपके पास ये सेक्शन के ऑप्शन, अगर आपने कोई ऐड करना है सेक्शन ऑलरेडी डिजाइन के ऊपर तो हम इसको डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने का क्या तरीका है, इसको डिलीट करने के लिए या तो आप सिंपली जो है वो स्लाइड पे क्लिक करें और कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस करें। अगर आप कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस नहीं करना चाहते तो सिंपली राइट क्लिक करके आप यहां से डिलीट स्लाइड कर सकते हैं। डिलीट स्लाइड के बाद आपके पास एक ऑप्शन डुप्लीकेट की भी आती है। समटाइम आप स्लाइड्स को कॉपी पेस्ट कर रहे होते हैं या आप चाहते हैं कि वही टेक्स्ट अगली स्लाइड में आए, कुछ हेडिंग्स अगली स्लाइड में आए, तो आप डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम इसके ऊपर डुप्लीकेट स्लाइड का ऑप्शन यूज करते हैं तो आप देखें कि 2 स्लाइड सेम स्लाइड नंबर 1 और स्लाइड नंबर 2 हमारे पास सेम जो है वो टाइटल डुप्लीकेट आ चुका है। तो ये स्टूडेंट इसका स्लाइड का था, जो ऑप्शन थी लेआउट की। उसके बाद आपने जो रीसेट करना तो आप बाय डिफॉल्ट जो भी आपका सेक्शन है उसको रीसेट कर सकते हैं। सेक्शन अगर आपने ऐड करना है तो आप सिंपली सेक्शन ऐड कर सकते हैं। ये आपको जो है वो लेफ्ट साइड पे थंबनेल के अंदर जो है वो सेक्शन नजर आ रहा है, जैसे किसी का पार्ट 1 पार्ट 2 आ गया, तो ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है। तो ये था। उसके बाद हम जो है वो लेट सपोज इंट्रोडक्शन इधर लिख देते हैं और मैं इसके अंदर बुलेट पॉइंट के अंदर जो है वो सपोज हम अपने पास कोई भी चीज ये स्टूडेंट हमने बुलेट पॉइंट लगा लिए। अब बुलेट पॉइंट के बाद आप जो है वो इनको उसी तरह जिस तरह वर्ड के अंदर आप फॉर्मेटिंग करते थे, मैंने ब्लैंक स्पेस एंटर प्रेस किया, एक बुलेट एक्स्ट्रा आ गया, ब्लैंक स्पेस प्रेस किया, इनके दरमियान में स्पेस आ गई। अब आप देखें जैसे ही मैंने टेक्स्ट लिखा तो आपके पास होम टैब के अंदर जितनी भी ऑप्शंस थी वो सारी जो है वो इनेबल हो गई हैं। अब आप इनको जो है वो चेक कर सकते हैं। टेक्स्ट के ऊपर फॉर्मेटिंग आपको वर्ड के अंदर आती है, फॉन्ट के अंदर जस्ट लाइक उसी तरह आपने किसी टाइटल का, किसी सब टाइटल का, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो फॉन्ट चेंज कर लें, साइज लेसर देन ग्रेटर देन यूज करना, उसके बाद आपने जो है वो फॉर्मेटिंग क्लियर करनी है, उसके पास आपके पास ऑप्शन है। ये इसलिए जैसे वर्ड में बताया था कि ये इसलिए यूज किया जाता है कि जैसे आप ने कहीं से कोई स्लाइड कॉपी की है, नेट से टेक्स्ट कॉपी किया है, तो वो बेसिकली प्रेजेंटेशन के अंदर जो है वो अच्छे तरीके से नहीं आता, तो आप सिंपली इसको क्लियर कर सकते हैं। इसी तरह बोर्ड इटैलिक अंडरलाइन स्ट्राइक टेक्स्ट की डायरेक्शन देने के लिए टाइट लूज नॉर्मल स्पेसिंग, ये सारे ऑप्शन स्टूडेंट वही हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिए। आपने इसको इसमें जो डायरेक्ट ऑप्शन है वो बेसिकली ये है कि हमने टेक्स्ट को स्मार्ट आर्ट में कन्वर्ट करना है क्योंकि प्रेजेंटेशन पर्पज के लिए यूज किया जाता है,
मजे मजे की चीजें होती हैं, तो आप जो है वो अपने टेक्स्ट को डिफरेंट ग्राफिक्स के अंदर यूज कर सकते हैं। इसके आगे कोई चीज लिखनी है आपने, कोई पिक्चर डालनी है, तो वो सारे ऑप्शन आपके पास उसी तरह अवेलेबल है जिस तरह आप अपने पास करते आए थे। एक्चुअल इसके अंदर जो मजे की चीज है स्टूडेंट, वो बेसिकली है ट्रांजिशन की। अब ट्रांजिशन क्या होती है, ट्रांजिशन टैब को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांजिशन बेसिकली ये है कि जब आप अपने साथ कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं, जिस तरह मैं ये कोई टेक्स्ट ऐड किया है, तो मैं जब स्लाइड शो चलाऊंगा, ट्रांजिशन को समझने से पहले हम स्लाइड शो का देख लेते हैं। स्लाइड शो होता क्या है, स्लाइड शो बेसिकली आपको लेफ्ट राइट बॉटम पे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं, जैसे हमारे पास नॉर्मल व्यू है, स्लाइड सॉर्टर व्यू है, आप इधर से स्लाइड को पकड़ के ऊपर नीचे जहां पे आपने लेके जाना है वो कर सकते हैं। आपके पास रीडिंग व्यू है, सिंपल आपने स्लाइड को रीड करना है तो आप वो वाला व्यू यूज कर सकते हैं। अगर वापस आना है तो एस्केप, कीबोर्ड से एस्केप प्रेस करें तो आप वापस आ जाएंगे। इसी तरह ये आपके पास जो है वो एक आइकन सा बना हुआ है, ये बेसिकली स्लाइड शो का आइकन है। कीबोर्ड से या तो आप F5 प्रेस करें, F5 बेसिकली स्टार्ट से स्टार्ट हो जाएगा, बिगिनिंग से, पहली पहली प्रेजेंटेशन से आपकी जो है वो पहली स्लाइड से आपकी प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी, या आप जो है वो सिंपली इधर से इस आइकॉन पे आगे क्लिक करके प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। तो अपने पास व्यू जो है वो चेंज कर लें, इसको नॉर्मल व्यू में कन्वर्ट करके स्लाइड शो पे आ जाए। जैसे ही आप इस पे क्लिक करते हैं तो देखें स्लाइड शो के अंदर आपके पास जो है वो डिफरेंट ऑप्शन आ गई। अब ऑप्शन क्या है कि आप जो है वो कीबोर्ड से जो है वो डाउन की प्रेस करें, अप की प्रेस करें, तो आप डिफरेंट स्लाइड्स के दरमियान में ट्रांजिशन कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, या आप की वो अपने माउस को यूज करते हुए माउस के कर्सर को, माउस के जो उसका जो है वो बॉल सी है माउस की, जो दो बटन्स के दरमियान में है, आप उसको स्क्रॉल डाउन करें, स्क्रॉल अप करें, तो आप जो है वो दो स्लाइड्स के दरमियान में रोटेशन कर सकते हैं। तो ये बेसिकली आपके पास स्लाइड शो की ऑप्शन है। ये तब यूज की जाती है जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो, कभी भी प्रेजेंटेशन को जो है वो बगैर व्यू के, बगैर स्लाइड शो के नहीं प्रेजेंट किया जाता। जो व्यूअर होते हैं उनको इससे गर्ज नहीं होती कि आपने इसके अंदर क्या लिखा है, कि वो बेसिकली आपको स्लाइड शो पे देखना चाहते हैं कि आपने किस तरह ट्रांजिशन ऐड किए हैं, किस तरह आपका टेक्स्ट अपियर होता है, और ये सारी चीजें आप खुद मैनेज करते हैं कि जिस तरह की बारी है मैं बोल रहा हूँ, मेरी प्लानिंग क्या है, कब कोई स्पेसिफिक टेक्स्ट स्क्रीन पे आना चाहिए, कौन सा आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, तो मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन, सबसे पहले मैं कंप्यूटर एप्लीकेशन को लिया मैंने, और मेरे पास ट्रांजिशन का टैब है, तो ट्रांजिशन टैब के अंदर मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। मैं लेट सपोज रैंडम बार ले लेता हूँ, तो मैंने रैंडम बार लिया अपने इस जो है वो टेक्स्ट के ऊपर, जो है वो ये ट्रांजिशन अप्लाई कर दी कि ये स्लाइड मेरे पास किस तरह अपियर होनी चाहिए। इसी तरह मैंने जो है वो इस स्लाइड को लेट सपोज कवर के साथ प्रेजेंट कर दिया। अब लेट से कि मैं स्लाइड शो करता हूँ, तो मैं जो है अपनी बिगिनिंग साइड पे गया, बिगिनिंग साइड पे जाके मैंने कीबोर्ड से F5 प्रेस किया ताकि बिगिनिंग से आए। अब आप देखें कि ये ट्रांजिशन बेसिकली कि आपकी स्लाइड स्क्रीन के ऊपर किस तरह अपीयर हो, ये ट्रांजिशन यूजर को अट्रैक्ट करने के लिए, पीछे साउंड भी आप लगा सकते हैं, ये हर चीज हम डेफिनेटली डिस्कस भी करेंगे, लेकिन और इस बात का ख्याल रखा जाए कि इतना ओवर भी ना हो कि देखने वाला कहे यार ये तो इसकी स्लाइड के अंदर एनिमेशन ही एनिमेशन है, ट्रांजिशन ही है, ये तो टेक्स्ट है ही नहीं। तो ये एनिमेशन ट्रांजिशन का सहारा इसलिए लिया जाता है ताकि अगर आपके पास अच्छा टेक्स्ट है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी है, तो आप जो है वो प्रेजेंटेशन देते वक्त अपने टेक्स्ट को अपनी टोन के साथ, अपनी स्पीच के साथ मैच कर सकें। तो हमने पहले ट्रांजिशन ऐड किया, उसके बाद जब जैसे ही मैं नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करता हूँ, कीबोर्ड से एरो प्रेस कर लें या माउस के कर्सर स्क्रॉल डाउन कर लें, तो मेरे पास जो है वो अनकवर की फॉर्म में स्लाइड आ जाएगी। उसके बाद थर्ड स्लाइड आएगी, जैसे ही एंड स्लाइड आएगी आपके पास बैक टू द प्रेजेंटेशन जो स्लाइड व्यू है उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट ट्रांजिशन था। हम जो है वो हर स्लाइड के ऊपर डिफरेंट आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, डायनेमिक कंटेंट है, एक्साइटिंग कंटेंट है, आप इनमें से कोई भी चीज, कोई भी थीम चूज करके वो आप कर सकते हैं। आपके पास टाइमिंग है, नो साउंड, अगर आपने कोई साउंड लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम कैमरा साउंड लगाते हैं, किधर क्या कैमरा साउंड लगाया, तो देखिए हमारे पास वो स्लाइड आई तो वो बेसिकली उस आवाज में आई। उसके बाद आप ड्यूरेशन लगा सकते हैं, अगर ऑटोमेटिकली जो है वो कोई स्लाइड मूव करनी चाहिए तो कितनी देर बाद, कितने टाइम बाद जो है वो, कितने सेकंड के बाद जो है, या कितनी कितनी देर के लिए जो है ये स्लाइड बेसिकली मूव करके आए, कितना कितना टाइम लगे इसको जो है वो अपीयर होने। जैसे हम इसको 4 सेकंड कर देते हैं,
देखिए 4 सेकंड लेके अपना टाइम पूरा करके वो स्लाइड क्लियर होगी। तो ये बेसिकली आप सेटिंग इसकी टाइम अपने हिसाब से अपनी प्रेजेंटेशन देते वक्त एडजस्ट कर सकते हैं। एडवांस स्लाइड मतलब आपने नेक्स्ट स्लाइड पे कब मूव करना है, ऑन माउस क्लिक, माउस क्लिक करने से भी मूव कर सकता है, कीबोर्ड से भी कर सकता है, या फिर आप जो है वो कोई टाइम सेट करते हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। आपको पता है कि आपने इतनी प्रेजेंटेशन देनी है, इतनी स्लाइड देनी है, तो ऑटोमेटिकली लेट से कि हम जो है वो 3 सेकंड के बाद इसको मूव कर देते हैं, तो हम अपनी प्रेजेंटेशन को चेक करते हैं, अपनी उस स्लाइड को चेक करते हैं कितनी देर के बाद जो है वो हमारी प्रेजेंटेशन जो है वो मूव कर जाएगी। उसके बाद देखें 4 सेकंड के बाद हमारी 4 सेकंड में ये अपीयर हुई, उसके बाद हमारा काउंटडाउन चल रहा है, हम जो है वो वेट कर रहे हैं कि ये बेसिकली नेक्स्ट, और ये ऑटोमेटिकली जब टाइम पूरा हुआ जो हमने सेट किया था इस स्लाइड के ऊपर 5 सेकंड, तो वो ऑटोमेटिकली थर्ड वाली पे जंप कर गया। तो ये स्टूडेंट ट्रांजिशन का था कि आप बेसिकली एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड पे जब ट्रांजिट कर रहे हो, मूव कर रहे हो, तो कैसे बेसिकली आना चाहिए। आप इधर से प्रीव्यू भी कर सकते हो स्लाइड शो में जाने से पहले कि बेसिकली किस तरह दूसरी नंबर स्लाइड जो है वो अपीयर होगी इतनी देर के लिए। तो ये सारी सेटिंग आपको ट्रांजिशन के अंदर से मिल जाएगी। इफेक्ट ऑप्शन आपके पास है, लेफ्ट टू राइट, हर हर जो है वो उसका है कि आपका जो ट्रांजिशन हो रही है वो कहाँ से शुरू होनी चाहिए। यूजुअली आपने देखा कि आपकी जो अनकवर वाली स्लाइड है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है, तो आप डायरेक्शन अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ये आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। जी स्टूडेंट, तो ये आज का लेक्चर था जिसमें बेसिकली हमने डिजाइन टैब और ट्रांजिशन टैब को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करने की कोशिश की। डिजाइन टैब हमारे साथ साथ चलता रहेगा जैसे जैसे हम आगे प्रोग्रेस करेंगे, तो अर्ली जो बिगिनर्स हैं, जो स्टूडेंट अभी स्टार्ट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं, वो बेसिकली अपनी मर्जी से कोई सी भी 3, 4, 5, 10 प्रेजेंटेशन बना के, स्लाइड्स बना के सॉरी, उसके अंदर टेक्स्ट डाल के तो ट्रांजिशन के इफेक्ट ऐड करके देख ले कि कैसे जो है वो बेसिकली ये चीजें अप्लाई होती हैं, कैसे जो है वो टाइम सेट होता है, साउंड और डिफरेंट डिफरेंट डिजाइन आप अप्लाई करके देख लें। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम जो है वो एनिमेशन और स्लाइड शो को डिटेल में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।